नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सेकंड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए प्रिंटिंग जो आपका चैप्टर चल रहा था आपका, आज मेरा पार्ट टू है आपका, जो इसमें आपको डिटेल जितने प्रिंटिंग के टाइप्स हैं वो आपको मैं बताऊंगी जो आपके नेट के सिलेबस में है। पहला हमारा है स्टेंसिल प्रिंटिंग। दोस्तों, स्टेंसिल प्रिंटिंग को हम कह सकते हैं एक रेसिस्ट प्रिंटिंग या रेसिस्ट टेक्निक्स होती है, जिसमें जो होता है जिस प्लेस पे नहीं रखना मतलब प्रिंट करना होता है उस स्थान पर। रेसिस्ट मतलब होता है कि ऐसी चीज जिसको लगा करके उस प्लेस को मतलब ढक दिया जाता है, जिससे उस पर रंग ना चढ़े या प्रिंट ना हो। तो रेसिस्ट टेक्निक होती है, इसमें कट फ्रॉम शीट्स ऑफ पेपर कोटेड विथ ऑयल, यानी जिस प्लेस पर नहीं करना उस प्लेस पर ऑयल या वैक्स या वार्निश लगा करके उसको कवर्ड कर दिया जाता है। ऐसी ही प्रिंटिंग को स्टेंसिल प्रिंटिंग कहते हैं। दूसरा हमारा है स्क्रीन प्रिंटिंग। इसमें देखिए, कवर्ड फ्रेम विद फाइन फैब्रिक, यानी इसमें क्या होता है कि जो कपड़े जिसपे प्रिंटिंग करनी होती है उस कपड़े को फ्रेम पर सेट करते हैं, और उसमें जो प्रिंटिंग करनी होती है उस प्रिंटिंग पर जो है डिजाइन बना करके उसको कटने के बाद उसको धूप में सुखवा देते हैं, और सूखने के बाद फिर वो जो है यूज में हो जाता है। तो यानी स्क्रीन प्रिंटिंग जो होती है कवर्ड यानी एक फ्रेम में उसको कवर्ड करते हैं, फाइन फैब्रिक यानी एक प्लेन फैब्रिक हो, स्मूथ हो, किसके लिए, सिल्क मेटल या नायलॉन किसी भी कपड़े पर करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है डिस्चार्ज प्रिंटिंग। डिस्चार्ज प्रिंटिंग क्या होता है कि डॉइड सॉलिड कवर रिमूव रिप्लेस द कवर। इसमें कह सकते हैं कि जो कपड़ा होता है पहले से वो सॉलिड रंग में ठोस रंग में वो रंगा हुआ रहता है, उस प्लेस को डिस्चार्ज करना है रंग से, यानी उस प्लेस से हमें रंग को हटाना है। तो उसके करने के लिए वहां से मतलब कि रंग को जो रंग पहले से है उसको हटा देते हैं, उसके स्थान पर जो है रिप्लेस कर देते हैं जिस रंग को हमें रंगना होता है। ऐसे ही को हम डिस्चार्ज प्रिंटिंग कहते हैं, यानी जिस उस प्लेस से रंग को हटाने की क्रिया ही डिस्चार्ज प्रिंटिंग कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है ब्लॉक प्रिंटिंग। इसमें क्या होता है, सेपरेट ब्लॉक रिक्वायर्ड ईच ब्लॉक। देखिए, इसमें जो ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब कि जितने ब्लॉक में आपको डिजाइन या प्रिंट करना है वो ब्लॉक सेपरेट होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं, और अलग अलग ब्लॉक के लिए अलग अलग प्रिंटिंग जो की व्यवस्था होती है, यानी उस तरीके से उसमें करते हैं। नेक्स्ट है आपका रोलर प्रिंटिंग। इसमें क्या होता है, ये रोलर प्रिंटिंग बहुत ही फास्ट होता है और इकोनॉमिकल वे से बहुत ही सस्ता होता है, और इसमें कॉपर रोल होता है, यानी रोलर जो होता है वो कॉपर का बना होता है, और रोटेट इन डाई सॉल्यूशन, और वो जो है रंग उस पे जो सॉल्यूशन होता है रंग का वो धीरे धीरे उसमें रोटेट होता रहता है, और ये मतलब कि जितने रोलर होते हैं, जो भी रंग होते हैं, जितने रोलर होते हैं अलग अलग रोलर में अलग अलग रंग डाई सॉल्यूशन होते हैं, और वो कपड़े पर प्रिंट होते जाते हैं। ये हो गया आपका रोलर प्रिंटिंग। नेक्स्ट हमारा है ट्रांसफर प्रिंटिंग। ट्रांसफर प्रिंटिंग क्या होती है, एक बेसिकल केमिकल का उपयोग करके जो होता है ट्रांसफर, यानी जो डिजाइन जो प्रिंटिंग होती है उस पर वो ट्रांसफर कपड़े पर कर दी जाती है, यानी इसमें केमिकल का उपयोग करके ट्रांसफर प्रिंटिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है टाई एंड डाई। देखिए, टाई एंड डाई को हम बांधनी कहते हैं, और ये बहुत ही फेमस प्रिंटिंग होती है, और ये सस्ती भी होती है अदर की कंपेरिजन में। इसमें क्या होता है, कपड़े को फोल्ड कर सकते हैं, ट्विस्ट मतलब मोड़ सकते हैं, प्लीट मतलब उसे प्लेट डाल सकते हैं, यानी इन सब प्रक्रियाओं के साथ उसको बांधते हैं, किससे, स्ट्रिंग मतलब रस्सियों से, रबर मतलब रबर से यानी रबर बैंड से, उस प्लेस पर जिस प्लेस पर हमें नहीं रंगना होता है उस प्लेस पर ट्विस्ट करते हैं, प्लीट करते हैं या फोल्ड करते हैं, किसी में से एक ही प्रक्रिया को अपनाते हैं। फोल्ड करने के बाद उसको रस्सी से या रबड़ से उस प्लेस पर रैप कर देते हैं, जिससे उतने स्थान पर जो है रंग ना चढ़े। तो इसी प्रक्रिया को हम टाई एंड डाई कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है बाटी। बाटी क्या है, एक वैक्स रेसिस्ट होता है डाइंग। क्या होती है बाटी की, एक वैक्स रेसिस्ट डाइंग होती है जो पूरे कपड़े पर की जाती है, और बहुत ही अच्छा होता है। जापान की एक शिबोरी प्रिंट बाटिक होती है जो बहुत ही फेमस प्रिंटिंग होती है। शिबोरी नाम अक्सर आपके टीजीटी एग्जाम में भी पूछे गए इसके पहले में। तो ये वैक्स रेसिस्ट डाइंग होती है, इसमें भी जिस स्थान पर नहीं करना होता उस स्थान पर हम जो है उससे मतलब कि जो रेसिस्ट पदार्थ हम लगा रहे हैं वहां पर उसको रेसिस्ट कर देते हैं या कवर्ड कर देते हैं। अब हमारा
और इसकी जो ओरिजिन है वो इंडोनेशिया, यानी इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इंडोनेशिया से हुई। नेक्स्ट हमारा है डिजिटल प्रिंटिंग, लास्ट हमारा डिजिटल प्रिंटिंग। इसमें क्या है, डिजिटल बेस डायरेक्टली टू अ वैरायटी ऑफ मीडिया, यानी इसमें हम मीडिया के जो डिफरेंट डिफरेंट जो वैरायटी प्रिंटिंग की होती है वो डायरेक्ट हम कंप्यूटर से जो है उसको स्क्रीन पर लेकर के उसको हम कपड़े पर तुरंत ही प्रिंट करते हैं। ये प्रक्रिया हमारी डिजिटल प्रिंटिंग होती है। इसमें जो प्रिंटर का उपयोग करते हैं वो आपका लेजर प्रिंटर होता है और इंकजेट प्रिंटर होता है। तो ये है दोस्तों आपके प्रिंटिंग के चैप्टर, ये आपका खत्म हुआ। और इसमें जो आप कहते हैं कि डिटेल शॉर्ट में पढ़ाइए, देखिए दोस्तों जब यदि आप डिटेल चीजों को नहीं पढ़ोगे तो कैसे आप इस चीज को मेरी उसको मिलान वाले कराएंगे या किसी और चीज कराएंगे, कैसे पढ़ेंगे। थोड़ा सा आपका चैप्टर कुछ कवर हो जाए उसके बाद मैं आपको कथन कारण आपके मिलान ये सारी चीजें मैं शुरू करूंगी। तब तक के लिए मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।